इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दानदान के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एरा एक्रोबेटिक सिल्की को गले लगाती है जो कि उसकी माँ होती है और आफ्टर लाइफ में उसकी शांति की कामना करती है, जिसकी वजह से एक्रोबेटिक सिल्की निर्वाणा अचीव करती है और कहती है कि जल्दी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी। एक्रोबेटिक सिल्की के साथ लड़ाई खत्म होने के बाद मोमो एरा को अपने घर खाने के लिए बुलाती है, जहाँ ओकारुन साइको और टर्बो ग्रेनी भी होती है। मोमो एरा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने उस दिन तुम्हारे सर पर बेसन गिराकर कुछ ज्यादा ही कर दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें ओकारुन से माफी मांगनी चाहिए जो तुमने उसके इमोशन के साथ खेला उसके लिए। फिर एरा कहती है कि मैं उस बात के लिए तुमसे नाराज नहीं हूँ, बेसन वाले कांड को तुम तो भूल ही जाओ, लेकिन एक बात सच है, तुम एक डीमन हो, तुम मेरी दुश्मन हो और मुझे तुम्हें हराना ही पड़ेगा। एंड मोमो भी लाइक क्या बकवास है, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, ये बस तुम्हारे दिमाग का कोई कंफ्यूजन है। उसके बाद एरा गुस्से से ओकारुन और साइको की तरफ देखती है और कहती है कि ये ओकारुन का टर्बो ग्रेनी में ट्रांसफर होना और तुम्हारी दादी का इतना होट दिखना, ये प्रूफ है कि तुम सब नॉर्मल नहीं हो, तुम सब के सब डीमन हो। फिर मोमो और एरा के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को टोंट मारती है। एरा मोमो से कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, एक दिन मैं तुम्हें वापस आके जरूर हराऊंगी। और हमारी मोमो चैलेंज एक्सेप्टेड, देखते हैं कौन किसको हराता है। उसके बाद एरा जाने से पहले ओकारुन की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम तो एक डीमन हो ना। ओकारुन उससे कहता है कि किसी की हेल्प करना तो नेचुरल बात है ना, इस पर डीमन होने की क्या बात है। ये सुनकर एरा शॉक हो जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि ओकारुन के अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत अभी भी बाकी है और कहती है कि मैं तुम्हें इस मोमो के चंगुल से जरूर फ्री करूंगी। फिर एरा जल्दी से भाग जाती है और यहाँ पर उसकी गाल थोड़ी बहुत रेड भी होती है, लाइक वो शर्मा रही है, लेकिन मोमो उसके रिएक्शन से शॉक हो जाती है और ऑकवर्डली ओकारुन की तरफ देखती है। उसके बाद ओकारुन अपनी गोल्डन बॉल को अपने क्रॉस में वापस फिट करवाता है टर्बो ग्रेनी और साइको की हेल्प से। ये पूरा प्रोसेस एक बेसबॉल गेम की तरह होता है और ओकारुन का रिएक्शन प्राइसलेस है। और इसी के साथ ओकारुन को अपनी पहली गोल्डन बॉल मिल चुकी है, जिसे पाकर वो काफी खुश है और होगा भी क्यों ना। सीन कट और अगला दिन स्कूल में शुरू होता है, जहां मोमो ओकारुन से कहती है कि लंच के टाइम हम रूफटॉप पे मिलते हैं क्योंकि हमें तुम्हारी दूसरी गोल्डन बॉल का पता लगाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। और हमारा ओकारुन भी लाइक मुझे लगता है कि मैं लंच और आफ्टर स्कूल का टाइम एक रिपोर्ट फिनिश करने के लिए यूज करूंगा, इससे अपने गोटो की परवाह नहीं है, लड़की टेंशन में आ रखी है और भाई को रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद मोमो कहती है कि ठीक है, लंच में अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड कर लूंगी। फिर मोमो लंच के टाइम अपनी फ्रेंड के साथ रिलैक्स कर रही होती है और सोच रही है कि ओकारुन उससे कुछ छुपा तो नहीं रहा। फिर मीको कहती है कि मैं भी उसका किसी लड़के के साथ कुछ सीन है। तभी मोमो का दिमाग तुरंत एरा की तरफ जाता है, लेकिन मोमो ना ये नहीं हो सकता। उसके बाद वो कुछ ड्रिंक लेने के लिए जाती है, लेकिन आते समय उसके मन में एक अनइजी फीलिंग होती है और जैसे ही वो कोर्टयार्ड के पास पहुंचती है वो काफी शॉक होती है जब वो देखती है ओकारुन एरा के ऊपर है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ ये जानने के लिए चलते थोड़ा पीछे, जहां स्कूल के बाहर ओकारुन अकेला एक शेड्यूल एरिया में अपनी ट्रेनिंग कर रहा है ताकि जब अगली बार मोमो और वो किसी पैरानॉर्मल एनिमी का सामना करे तो वो उससे लड़ पाए। तभी वहां पर एरा आ जाती है और सीधा ओकारुन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन ओकारुन शोक में पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। फिर एरा कहती है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी अपने पापा की, जिसमें लिखा था कि अपने इमोशन एक्सप्रेस करने का ये सबसे बेस्ट वे है, और वो बंदी एक और अटेम्प्ट करती है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का। लेकिन जब ओकारुन एरा को स्टॉप करने की कोशिश करता है तो ओकारुन अपना बैलेंस लूज कर देता है और एक्सीडेंटली एरा के ऊपर गिर जाता है। तभी वहां पर मोमो आ जाती है और ओकारुन ये देखकर शॉक हो जाता है कि मोमो उन दोनों को एक गलत सिचुएशन में देख रही है। ये देखकर मोमो का चेहरा एकदम डिसअपॉइंट और गुस्से से भर जाता है, लेकिन ओकारुन उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। पर मोमो उसे कहती है कि वो उसकी अब एक भी नहीं सुनेगी क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था कि वो बस एक रिपोर्ट फिनिश कर रहा था। और उसके बाद मोमो अपनी क्लास में चली जाती है। बाद में अपने क्लास लेसन के बीच मोमो अभी भी उस सीन को भुला नहीं पा रही है, जबकि दूसरी तरफ ओकारुन सोच रहा है कि कैसे मोमो से बात की जाए और चीजें ठीक की जाए। तभी ओकारुन को शौक लगता है जब वो देखता है कि जमीन में पानी
भरा हुआ है और उसका क्लासरूम भी अजीब तरीके से खाली हो रखा है। ओकारून जैसे ही हॉल में जाता है वो एरा को देखता है जो सोचती है कि ये मिस्टीरियस सेटिंग केवल मोमो ने की है, लेकिन ओकारून उसे बताता है कि वो पहले भी इस तरह के एनवायरनमेंट में रह चुका है। दूसरी तरफ मोमो विंडो को ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और सोचती है कि ओकारून भी ये सब एक्सपीरियंस कर रहा होगा। लेकिन तभी उसको ओकारून की याद आती है और वो फ्रस्ट्रेटेड फील करती है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और जब वो देखती है तो उसे डोर पे एक स्नेक लाइक क्रिएचर दिखाई देता है। मोमो उस स्नेक लाइक क्रिएचर से छुपने की कोशिश करती है लेकिन गलती से एक आवाज कर देती है जिससे क्रिएचर उसके पास आ जाता है और अपने मुंह से एक ब्लास्ट रिलीज करता है जो उस पूरे क्लासरूम को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें मोमो होती है। लकीली मोमो उस ब्लास्ट से बच जाती है और जब वो क्रिएचर वहां से चला जाता है तो मोमो सोचती है कि ओकारून कहां पर है। वहीं दूसरी तरफ ओकारून और एरा उस आवाज को सुन के शॉक हो जाते हैं जो क्रिएचर ने ब्लास्ट की वजह से हुई थी। ओकारून को याद आता है कि वो पहले भी एक ऐसी स्पेस में था जब उसने और मोमो ने एक फ्लैट बोट मॉन्स्टर का सामना किया था। वो एरा को बताता है कि इस स्पेस से निकलने का बस एक ही तरीका है, उन्हें उस एलियन को हराना पड़ेगा। तभी उनका सामना एक क्रैब हेडेड एलियन से होता है जो उन पे अटैक करने के लिए जैसे ही मूव करता है ओकारून टर्बो ग्रीनी में ट्रांसफर हो जाता है और जल्दी से एरा को वहां से हटा देता है और उसे कहता है कि वो दूसरी जगह रिलोकेट हो जाए ताकि वो एलियन से फाइट करता रहे। लेकिन तभी ओकारून साइकोनेसिस के जरिए कंट्रोल में ले लिया जाता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है और ये सब कुछ किया है इन सर्पों ने। एरा सर्पों को क्रॉस दिखाती है एंड सर्पो बी लाइक छोटी बच्ची हो क्या, और कहते हैं कि वो उनके काम में इंटरफेयर ना करे। फिर वो ओकारून को बताते हैं कि उनका असली पर्पस उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेना है ताकि वो उसकी सुपर नेचुरल पावर को हासिल कर सके। ओकारून टर्बो ग्रेनी की फॉर्म में वापस आने की ट्राई करता है लेकिन वो सर्पों के बाइंड से निकल नहीं पाता। इस बीच एलियंस उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सट्रैक्ट करने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी हमारी एरा अटैक करती है और ओकारून को बचा लेती है एंड दिस टाइम एरा के अंदर एक्रोबेटिक सिल्की की पावर अवोकन हो जाती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो वाकई में चूज वन है।